हम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं 7 सितंबर दिन गुरुवार को भादव मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिसे जन्माष्टमी के नाम से जाना जाएगा। जन्माष्टमी और महादेव को भी अति प्रिय होती है। अष्टमी तिथि पर यदि आप इस एक उपाय को कर लेते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर इस छोटी सी चीज को बांध देते हैं, तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में दौड़ी चली आती है और आपके जीवन को खुशहाल बनाती हैं। यदि आपके घर में आर्थिक समस्या है, धन की कमी के कारण आप पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस एक उपाय को अवश्य करें। पूजनीय गुरुजी ने अपने श्रेष्ठ महापुराण कथा में विशेष रूप से इस उपाय का वर्णन किया है। इस उपाय के लिए आपको एक लाल या पीला रेशमी वस्त्र ले लेना होगा। ध्यान रखें, वस्त्र जो ले वो नया ही होना चाहिए। उस वस्त्र पर आपको कुछ टुकड़े फिटकरी के रखने हैं। फिटकरी घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कराती है। इसी के साथ में आपको 5 लौंग ले लेना है। 5 लौंग फूल वाले साबुत लौंग आपको लेने हैं, खंडित लौंग का प्रयोग नहीं करना है। साथ में ही आपको थोड़ा सा खड़ा नमक ले लेना है। अब इन तीनों चीजों की आपको क्या करना है, पोटली बांध लेना है। फिटकरी, साबुत 5 लौंग और कुछ टुकड़े खड़ा वाला जो नमक आता है वह ले लेना है। इसकी पोटली बनाकर जब आप घर में अंदर आते हैं, तो सीधे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ आपको इस पोटली को बांध देना है और नीचे महादेव के लिए और माता लक्ष्मी के लिए आपको दीपक प्रज्वलित करना है। सुबह से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, कामना पूर्ण होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।